हरियाणा के गोहाना में एक वैन में आग लगने से महिला सहित दो लोग जिंदा जल गए। इसमें तीन लोग बैठे हुए थे। हादसे में वैन चला रहे शख्स की जान चली गई। 10 दिन बाद उनकी बेटी की शादी थी। ये शादी का कार्ड देने बहन की ससुराल जा रहे थे। जैसे ही वे बनवासा के पास पहुंचे, वैन में लगा गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। जिंदा बचे एक शख्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। गोहाना से दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।